श्रावण का महीना और महादेव के दरबार की चौखट पर सर रखना बड़े ही सौभाग्य की बात है। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो अलोन ट्यूर। अभी मैं हूँ नेपाल के काठमांडू शहर में और वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, जिन्हें श्री पशुपतिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाता हूँ अंदर से। हालांकि अगर मोबाइल अलाउ नहीं होगा तो आपको बाहर से दरबार के दर्शन करवा देंगे। दर्शन करने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आखिर मैं राजस्थान से नेपाल आया कैसे, नेपाल आने के तरीके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्टकट में समझ में आ जाए कि आपको नेपाल कैसे आना है। तो आइए फिर मेरी जर्नी की शुरुआत करते हैं। भारत से नेपाल आने के बहुत सारे तरीके और साधन दोनों अलग अलग हैं। अगर आप बस और ट्रेन दोनों में से किसी से भी आओ, सबसे पहले अगर आप राजस्थान साइड से आ रहे हो ना, तो आपको गोरखपुर आना पड़ेगा, और गोरखपुर के बाद अगर आप ट्रेन लेते हो तो आपको नौतनवा स्टेशन उतरना पड़ेगा, जो कि बॉर्डर से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अगर आप बस से आते हो तो आपको बिल्कुल बॉर्डर पे बस उतारेगी, बस या टैक्सी, जो सनोली बॉर्डर होता है वहाँ पे बिल्कुल आपको बस उतारेगी। बस बॉर्डर क्रॉस करके आपको आना है नेपाल के अंदर सीधा। इस तरफ नेपाल का बहेलिया गाँव है और उस तरफ हमारे भारत का सनोली। अभी मैं नेपाल की गलियों में हूँ और यहाँ मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी होटल्स हैं, सब में नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है और मुझे प्योर वेजिटेरियन खाना चाहिए, वो नहीं मिला। हालांकि वेजिटेरियन खाना मिलता है लेकिन प्योर वेजिटेरियन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बनता है सब मिक्स में बनता है। तो इसीलिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए मैं किराना स्टोर से ये दही और चूरा लेकर आया हूँ। अभी इसी का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को, तो अभी इनको खाते हैं फिर आगे आपसे बात करते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी कि अपने इंडिया की सिम यहाँ काम नहीं करती है, मतलब किसी भी सिम, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, किसी का भी, अपने इंडिया की किसी भी सिम का नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है। आपको यहाँ की नेपाल की सिम लेनी पड़ेगी, जो आसानी से अवेलेबल है, अपने इंडिया के आधार कार्ड पे मिल जाती है आराम से, और वो भी शायद 150-200 रुपये के अंदर आपको आसानी से सिम मिल जाती है। नेपाल बॉर्डर के अंदर आते ही आपको अपनी इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि फ़ायदा आपका ये, समय आपका बचेगा, और कई कई दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंडियन करेंसी को, तो आप चेंज करवा लीजिएगा। खैर अभी मैं हूँ नेपाल बॉर्डर में और एक छोटे से होटल में रुका हुआ हूँ, क्योंकि शाम को 7 बजे हमारी बस लगने वाली है काठमांडू के लिए। यहाँ से काठमांडू जाना है पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने, तो ठीक अब मैं आपको काठमांडू मिलता हूँ सीधा। नेपाल बॉर्डर से शाम करीब 7 बजे हमारी बस रवाना हो गई थी काठमांडू के लिए, और काठमांडू पहुँचे हम सुबह 7 बजे, और ये था हमारा काठमांडू तक का सफ़र, राजस्थान से काठमांडू तक के सफ़र के लिए। आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अब क्या करना है आपको, अगर आप चाहो तो इस रूट को फॉलो कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। और फिर अब आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ जी के। लगभग बहुत सारी बसें चेंज करने के बाद हमें एक और बस में बैठना पड़ा, क्योंकि काठमांडू से श्री पशुपतिनाथ जी लगभग 6 किलोमीटर दूर है, और हमें को यहाँ काठमांडू की जो मिनी बस होती है सिटी बस, उसमें बैठकर हम लोग जा रहे हैं अभी पशुपतिनाथ जी। तो आइए फिर दर्शन करवाता हूँ आपको श्री पशुपतिनाथ जी के। दरबार के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, यहाँ तक मोबाइल अलाउ है, इसके बाद मोबाइल अलाउ नहीं है। वो नंदी महाराज आप देख सकते हो, और फिर आप लोग यहाँ पे बाहर चौखट के दर्शन कर सकते हैं। और आपको अभी बैक साइड कैमरे से दिखाता हूँ मैं, एक बड़ा सा विशाल का है नंदी, और दर्शन करवाता हूँ आपको चौखट। फाइनली हमने महादेव के दर्शन कर लिए हैं, और जैसे ही हम बाहर निकले तो एक और महादेव की कृपा हो गई हमारे ऊपर, हमें प्रसादम मिल गया। ये देखिए पूड़ी, खीर, जलेबी और शायद चने की सब्जी है, ये प्रसादम मिल गया। और प्रसाद का मतलब ही होता है प्रभु के साक्षात दर्शन करना, और ये तो कृपा है महादेव की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से गौशाला होती है, उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के मंदिर के जस्ट बाहर निकलते ही
ये एक नंदीशाला है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त यानी नंदी महाराज, तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर के जस्ट बाहर निकलते हैं यहाँ नंदीशाला है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ जरूर आइएगा। चाहे आप किसी भी शहर में नए हो या पुराने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ की आप लोकल बसों से ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बात पूरी नोट कर लो और अप्लाई करना जीवन में कभी भी। अभी मैं जस्ट उतरा हूँ एक लोकल बस से और स्वयंभू ईश्वर के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो आइए फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं स्वयंभू ईश्वर के। स्वयंभू मतलब भोलेनाथ के दर्शन तो मैं करके आ गया ऊपर से, लेकिन इसी जगह पे ऊपर से जब आप लोग नीचे आते हो तो यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करवाते हैं, यहाँ पे कपल्स वगैरह घूमने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऊपर भगवान के दर्शन करने जाता होगा, यहीं पे से सब लोग निकल जाते होंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ लगी नहीं वहाँ पे। और इसके नीचे जाओगे ना वापस तो वहाँ पे आपको बुद्ध स्तूप दिखाई देगा, मतलब स्तूप नहीं है, बुद्ध प्रतिमा दिखाई देगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। मैंने जितने भी बुद्ध टेम्पल्स देखे हैं ना, उन सब के अंदर मैंने इनको ज़रूर देखा है, लेकिन इनका मतलब मुझे नहीं पता। हालांकि बुद्ध धर्म के लोग इनको घुमाते हैं ऐसा मैंने देखा है, लेकिन इनके बारे में डिटेल मुझे नहीं पता है। फिर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको बुद्ध प्रतिमा। आगे बैठा था कि मैं नेपाल में बहुत सारी जगह घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि जगह जो थी ना वो बहुत दूर दूर थी और टाइम बहुत कम था और थक भी गया था, तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी मैं नेपाल के न्यू बस अड्डे पे हूँ, मतलब यहाँ पे बस स्टैंड नहीं बोलते, बस पार्क बोलते हैं। तो न्यू बस पार्क में नेपाल में हूँ अभी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।